नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सृजन नवाचार में। आज मैं आपके समक्ष पाठ योजना को लेकर उपस्थित हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की सारी पाठ योजनाएं मैं आपके समक्ष क्रमगत तरीके से लाती रहूँगी। उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और मैंने आज एक पाठ योजना आपके समक्ष रखा है जो कक्षा 5 संस्कृत विषय का है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको कैसे, इस पाठ योजना को हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि और चक्र, ऐसे आप सारे कॉलम खींच लीजिएगा, ये बनाइएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे लर्निंग आउटकम की। बच्चे परिवार के मौलिक रूप से परिचित हैं, बच्चे छोटे परिवार के लाभ के बारे में परिचित हैं। लर्निंग आउटकम डालना बहुत ज़रूरी है, नए तरीके से अब ये बन रहा है। फिर हम बात करेंगे प्रकरण का, फिर हम प्रकरण डालेंगे। प्रकरण हमारा क्या है, लघु परिवार, ये हमारा प्रकरण है। फिर सीखने सिखाने की सामग्री, बिना इसके हम बच्चों को कुछ भी पढ़ा नहीं सकते हैं, इसके लिए पुस्तक होनी ज़रूरी है। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री, परिवार से संबंधित चार्ट, आप इसको एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए बना सकते हैं और बच्चों के समक्ष उस चीज़ को रख के उसको समझा सकते हैं। फिर सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधि, ये आपके ऊपर निर्भर है कि इसको कितने चरण में, कितने मिनट में, कैसे इसको बांटकर पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने प्रथम चरण लिया है, प्रथम चरण की अवधि मैंने 10 मिनट रखा है। और आकलन विधि में सुनकर अवलोकन करना, ठीक है। सबसे पहले तो आप जब कक्षा में आते हैं तो एक भूमिका तैयार करते हैं कि जो भी आपका प्रकरण हो उसको लेकर एक भूमिका तैयार करते हैं, उससे कुछ प्रश्न उत्तर पूछते हैं। प्रश्न पूछते हैं मतलब वो उत्तर देता है, तो उस तरीके से आप 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ शुरुआत क्या की है कि शिक्षक कविता का आरोह अवरोह पूर्वक सस्वर वाचन करेगा एवं छात्र ध्यान पूर्वक अनुकरण वाचन करेंगे। परिवार का चित्र दिखाते हुए, आपके पुस्तक में परिवार का चित्र है वो आप दिखाइएगा, नहीं तो चार्ट के द्वारा आप उनको दिखा सकते हैं। और संस्कृत में सबसे जरूरी जो भाग लोग छोड़ देते हैं, एषः मम परिवारः, तो सबसे पहले आद्यांत आप लिखेंगे, जहाँ तक आपको जिस अनुच्छेद का जहाँ तक उसका आपको अर्थ लिखना है वो लिखेंगे। अर्थ यहाँ जरूर लिखेंगे, कोई आता है अगर आपके विद्यालय में देखने के लिए तो आपकी पुस्तक को नहीं उठाएगा, आपके पाठ योजना को ही देखेगा, तो यहाँ पर अर्थ आप जरूर लिखिए। और दूसरे आगे हम इसको बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे कि ये उसके आगे हमने क्या रखा है। तो यहाँ आप देखिए, हमने अब चरण 2 शुरू कर दिया, शिक्षण के मध्य। सबसे पहले इसमें क्या है, शिक्षक के द्वारा द्वितीय अनुच्छेद का आरोह अवरोह पूर्वक वाचन किया जाएगा। फिर क्या होगा, सभी छात्र सुनकर अनुकरण वाचन करेंगे। तत्पश्चात शिक्षक द्वारा संस्कृत का हिंदी अनुवाद किया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है संस्कृत के लेसन प्लान में। फिर वही आद्यंत, जहाँ तक आपको शुरू करना अनुच्छेद का उसको आप लिखेंगे। फिर अध्यापक जो है उसका अनुवाद करेगा, जो बच्चों को समझ में आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब ये चीज़ अनुवाद वाला प्रकरण हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करके उनसे पाठ का सुर एवं लय में सस्वर वाचन कराएंगे। फिर बच्चों को भी उसको पढ़ने करेंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे तो त्रुटियां अवश्य होगी, संस्कृत उनको नीरस विषय लगता है, तो थोड़ा सा मज़ेदार बनाने का प्रयास करेंगे। एवं उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का निराकरण किया जाएगा, जो बच्चे गलत पढ़ रहे हैं उनको बताना है कि बेटा ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा। फिर शिक्षण के पश्चात, हमारा अनुच्छेद खत्म हो जाएगा, फिर हम शिक्षण के पश्चात क्या करेंगे इसको भी हम 10 मिनट में बांटे हुए हैं। शिक्षक छात्रों के परिवार से पाठ को जोड़ते हुए पाठ पर चर्चा करेगा, उनके परिवार से जोड़ेगा और पाठ पर चर्चा करेगा। छोटे परिवार एवं अच्छे संस्कार युक्त परिवार से छात्रों को परिचित कराएगा। तत्पश्चात निम्न शब्दों का हिंदी अर्थ निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम बच्चों से एक लघु नाटक करने को कहेंगे। यानी ये हमारी गतिविधि है कि बच्चों को एक नाटक कराएंगे, बच्चों को परिवार के एक एक सदस्य बना देंगे और फिर उसके लाभ और हानि को बताने के लिए कुछ उनको हम लिख कर देंगे, जो बच्चे उसका अनुसरण करके उस चीज़ उस नाटिका को करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम शब्द अर्थ देखेंगे। शब्द अर्थ यहाँ देखेंगे, कठिन शब्द जो हमारे हैं
उसको हम यहाँ देखेंगे। देखिए मैंने शब्द अर्थ पूरा दे दिया है, यहाँ सारे शब्द और सारे उसके अर्थ दिए गए हैं। फिर हम गृह कार्य पर आएंगे। सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने परिवार के विषय में वाक्य संस्कृत में लिखेंगे, यानी सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने परिवार के विषय में 5 वाक्य संस्कृत में लिखकर आएंगे। अगर वो संस्कृत में नहीं लिख के आते हैं तो हिंदी में लिखें, आप उनका अनुवाद करिए। आगामी कार्य योजना, संस्कृत काव्य एवं गद्य के प्रति छात्रों में अधिकाधिक रुचि उत्पन्न हो, बच्चे संस्कारवान हो, इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार आप पाठ योजना बना सकते हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक एक पाठ योजना आपके समक्ष रखती रहूं। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ गलतियां हो, तो आप बिल्कुल बताइए और आगे आने वाली पाठ योजनाओं में सुधार कर इस चीज़ को दिया जाएगा। धन्यवाद।